वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लास्ट सेशन मतलब सेशन फोर्थ करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है साइंस विन का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स के। तो चलिए जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिससे समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जल्दी भी हो जाए, वीडियो बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए हम उसी पेज पे मिलते हैं आपसे वापस। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए सेशन 1, 2 एंड 3 का जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अदरवाइज़ यू कैन गो विद आर चैनल और वहाँ पे भी है। तो कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिस्पांस देती हूँ, इसके लिए प्लीज़ आप वहाँ पे जाएं। तो जो लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये वाला टॉपिक हम रेस्ट पर रखेंगे। तो यही टॉपिक को आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कम्प्लीट भी करते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस तो आई नो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बस उसको ही एक अलग सा टॉपिक बना कर डाल दिया गया है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। अभी फैक्टर्स बोला जाए तो देखो, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो अलग अलग केमिकल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। कोई कोई हाईली रिएक्टिव होता है, कोई लो रिएक्टिव होता है, ठीक है। कोई कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, कोई कोई आराम आराम से करता है, ठीक है। कोई कोई किसी किसी में क्विक रिएक्शन होता है, किसी में स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, बस वही सारी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टर। नेचर मतलब वो कैसा है, ठीक है, कैसा है। मतलब कोई कोई अभी आप अगर आपको पता होगा कि कोई कोई होता है वो क्विक रिएक्टिव होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, वैसे कोई कोई जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये पता नहीं पेन क्यों नहीं काम कर रहा है। तो कोई कोई हाईली रिएक्टिव होता है, कोई कोई लेस रिएक्टिव होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कोई हाईली रिएक्टिव होता है, कोई कोई लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव जो होता है तो वो तो जल्दी रिएक्ट कर लेता है, बट जो लेस रिएक्टिव होता है उसे टाइम लगता है। लेकिन जब दो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव साथ में काम करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। मतलब वो ना ज़्यादा स्पीड होता है ना ज़्यादा वो होता है, ठीक है, कमज़ोर होता है। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो जल्दी हो जाता है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम और जिंक का दिया होगा, जो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और एक जो है लेस रिएक्टिव है। जैसे एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है और जिंक लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट करेगा और जो जिंक है वो धीरे से रिएक्ट करेगा। तो वही पहले बताया नेचर के बारे में कैसा होता है। नेचर जब भी बोले कॉन्सेप्ट आए तो आपको बस ये समझ लेना है हाईली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव के बारे में, ठीक है। हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव के बारे में पहले आपको समझ लेना है, ठीक है। ओके, तो चलो ये तो समझ में आ गया पार्ट ए। अब पार्ट बी की तरफ देखते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंस। अब जो रिएक्टेंस बेसिकली बोले तो कोई दो केमिकल्स रिएक्ट हो रहे हैं, राइट। तो साइज अब बोले तो जैसे देखो, कोई कोई जो होता है बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होता है, राइट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। तो जो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बताया है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक अगर मैं एक इजी होममेड एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, शुगर ले लेते हैं, ठीक है। शुगर को जब नॉर्मल शुगर होता है उसको जब हम वाटर में डालते हैं उसको उसमें डिजॉल्व होने में, अच्छे से मिक्स होने में टाइम लगता है। बट अगर मैं शुगर पाउडर ले लूँ तो वो जल्दी ही डिजॉल्व हो जाएगा और जल्दी ही उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंस का, ठीक है, जो मैंने होममेड बेसिकली बता दिया, ठीक है, जो घर में ऐसे बेसिकली ऐसा होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसमें का, इसमें एक आई थिंक शाहबर टाइल्स दिया हुआ है, ठीक है, और HCl लिया हुआ है। अब एक शाहबर टाइल्स वो लिया है पीस वाला, ठीक है, सॉलिड वाला, और एक पाउडर वाला रखा है, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में डाला हुआ है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स दिए हैं उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो एक का जो है बहुत जल्दी हो गया बट दूसरे का जो है बहुत आराम से हुआ, मतलब पीसेस वाला जो था, ठीक है, पीसेस वाला जो शाबर टाइल्स था वो बहुत ही आराम से हुआ, ठीक है। और जो
ये वाला पाउडर वाला था वो बहुत जल्दी हो गया, तो उससे भी पता चल, साइज़ से भी पता चलता है कि कैसा है। अगर वो ज़्यादा सॉलिडफाई रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वो पाउडरी टाइप में होगा या लिक्विडी टाइप में होगा तो बहुत ही जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वही बताया साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। पार्ट बी भी हमारा ओवर हो गया। पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे उसका मीनिंग दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा था इसके लिए, तो यही है उसका मीनिंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट का मीनिंग। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट का यहाँ पे एग्जांपल दिया, डाइल्यूट HCl लिया है और साथ में जब उसका रिएक्ट किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो एकदम धीरे धीरे रिएक्शन हुआ पहली बात। ठीक है, क्योंकि वो डाइल्यूट है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया था, ठीक है, और जब उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या हुआ कि रिएक्शन जल्दी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कोई कोई रिएक्शंस में हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, वेयर एज सम केसेस में हम डाइल्यूट लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं बोलूँ तो टेम्परेचर हो गया, देखो अब कोई कोई रिएक्शन होता है जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब बिना टेम्परेचर दिए हुए भी वो क्या होते हैं, वो रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी ही रिएक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। बट कोई कोई जो होता है उसको रिएक्शन में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, उसके टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर रेज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उससे भी वो भी एक टाइप का हो जाता है कि उससे भी पता चलता है टेम्परेचर सबके बारे में, कि टेम्परेचर भी कोई कोई उसको दिया पड़ता है, तो वो भी एक टाइप का इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल वापस आई थिंक लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई कोई होता है कि बहुत स्लो स्पीड का होता है, या जिसको टेम्परेचर रेज करने की ज़रूरत होती है जिस रिएक्शन में, तो वहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया है, तो ये भी एक टाइप का फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मैंने पिछले वीडियो आपको बता कैटलिस्ट क्या होता है, तो चलिए वापस एक बार देख लेते हैं कैटलिस्ट का मतलब। कैटलिस्ट होता है कि वो एक टाइप का ऐसा मतलब क्या बोलूं मैं, वो एक ऐसा है जिससे जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। जो रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे होता है उसको स्पीड अप करता है, और वो रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, सबके पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि वो रिएक्शन का वेट करे, जो रिएक्शन 2 hours, 3 hours या 1 day लग जाते हैं, तो उतना तो टाइम नहीं होगा, तो इसके लिए ये जो है कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये किसी एक को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, जब इसमें कौन सा रिएक्शन में यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कहीं पे बताया हुआ भी होगा, मैं कौन से पेज पर चली गई, तो चलिए मैं वो पेज पर जाके आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे MnO2 मतलब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, जो ये जो पोटेशियम क्लोराइड समथिंग कुछ है रिएक्शन उसमें डालने के लिए, और जिसके कारण जो है बहुत ही जल्दी स्पीड अप रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्या डाला गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जब ये डाला गया तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो बहुत जल्दी स्पीड हो गया, फास्टर हो गया। ठीक है, तो वही बस यहाँ पे बताया हुआ है। और कैटलिस्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, तो कैटलिस्ट भी एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि वो भी जो है एज अ फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन में। अफेक्ट करना यहाँ पे आप उसको नेगेटिवली मत लीजिए, मतलब देखो एक अफेक्ट होता है कि किसी से हार्म हो रहा है, एक अफेक्ट होता है कि किसी से बोलते ना एक हार्म होता है और एक फ़ायदे के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे के लिए होती है, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे बताया हैं वो सब फ़ायदे के लिए बताई हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये चाहे वो नेचर हो गया, चाहे वो साइज़ हो गया, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है, मैं सबको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये सब जो भी हो गया, ठीक है, तो ये सारा जो है ये सब जो है एज अ फैक्टर अफेक्ट करता है मतलब ऐसे यूज़ देता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में, जिससे हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर वो हायर है तो उसको कैसे किया जाता है, ठीक है, तो अभी पता नहीं, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है
वो हमारे केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। तो यही था बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक जो हमें कंप्लीट करना था, और बहुत आसान टॉपिक था, बट उस वीडियो ऑलरेडी वो 21-22 मिनट्स का हो चुका था। इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट ही बना देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले के वीडियोस देखने के लिए या तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो आप हमारे चैनल के थ्रू जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हो। मैं इस पर सारे टॉपिक के डालती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं इंग्लिश ग्रामर का सेशन मैंने कंटिन्यू रखा है, तो उसके भी आप सारे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप बोलोगे इंग्लिश, हिंदी, देन मराठी, उस सब के टॉपिक्स डालने के लिए, मतलब जो चैप्टर्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, एसएस का एक्सप्लेनेशन, तो मैं डालूंगी। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि वो सारे बहुत आसान होते हैं चैप्टर्स, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हाँ, अगर कोई पोएम हुआ जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ मतलब हिंदी में, मराठी में, जैसे मराठी में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था वो संत वाणी के जो थे, तो वैसे वैसे मैं अपलोड कर दूंगी अगर जो मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चाहिए ऐसा वीडियो कोई चैप्टर से रिलेटेड या कोई चीज़ों से भी रिलेटेड, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वीडियोस उस पर बना के डाल दूंगी और फुल सपोर्ट आपको मैं दूंगी। तो बस आपको क्या करना है, बेल को हिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, देखते हैं कौन सा साइंस हो या ग्रामर हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। बाय बाय।